हेलो फ्रेंड्स एस चांद पब्लिकेशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं श्रेयांस कोठारी लेके आया हूं दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की जो बुक जो एस चांद पब्लिकेशन की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है स्टूडेंट्स के लिए उस बुक को हम कंप्लीटली सॉल्व करवाएंगे दोस्तों एस हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो या एम के एग्जाम हो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन फाइंड इन एनी बुक स्टोर सीरीज कंप्लीशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं हम चैप्टर के अंदर बेसिक थ्योरी बताएंगे और साथ साथ में आपको हर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या अप्रोच आपको लगानी है चलिए दोस्तों चैप्टर वन है इसका सीरीज कंप्लीशन देखेंगे दोस्तों कुछ टाइप की सीरीज में यहां पर लेके आया हूं पहले टाइप की सीरीज दोस्तों एडिशन सीरीज एडिशन का मतलब एड करना है यानी आप देखेंगे हर नंबर में कुछ ना कुछ एड हो रहा होगा आप अगर इस तरह समझें कि सात से अगर मैं नौ जाता हूं, दोस्तों आपको होता है। नौ से अगर मैं तेरा जाता हूं, तो चार ऐड होता है फिर से अगर उन्नीस जाता हूं तो आप देख सकते हैं छीस है। से सत्ताइस अगर मैं करता हूं तो आप देख सकते हैं ट्वेंटी सेवन एट यानी आठ एड हो रहा है तो आपको यह समझ में आएगा टू फोर सिक्स एट ये भी अपने आप में एक सीरीज फॉर्म हो रही है और इसी सीरीज में ऐड होते जा रहा है दैट मींस अगर ट्वेंटी सेवन की बात करूं तो एट के बाद क्या आएगा एट के बाद टेन आएगा सो so यहां पे क्या होना चाहिए दोस्तों थर्टी सेवन और थर्टी सेवन के बाद हमें क्या ऐड करना है ट्वेल्व क्यों क्योंकि टू फोर सिक्स एट टेन और टेन के बाद ट्वेल्व यानी फोर्टी नाइन आ जाएगा यानी इस क्वेश्चन मार्क का आंसर थर्टी सेवन आएगा आई होप आपको समझ आई होगी बात कि हमें कुछ ना कुछ ऐड करके अगली सीरीज को लेके आना है आप अगर देखें तो आपको यह बात समझ आएगी टू में टू ऐड किया फोर फोर में टू ऐड किया सिक, सिक्स में टू किया एट इस तरह से हम सीरीज तक पहुंचे ये एक और सीरीज हम लेके आए दोस्तों थर्टी सेवन और फोर्टी टू आप देखेंगे फाइव ऐड करने से होगा फोर्टी टू में फोर्टी सेवन फाइव एड करने से होगा फोर्टी सेवन में फाइव ऐड करिए दोस्तों फिफ्टी टू हो जाएगा और 52 में 5 ऐड करें 57 हो जाएगा यानी इस क्वेश्चन मार्क का आंसर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं 52 और एग्जाम में तो चार ऑप्शन आएंगे उनमें से एक को क्लिक करना है दोस्तों यही चीज एसएससी टाइप के एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग में आती है और सिमिलर टाइप ऑफ थिंग दोस्तों क्वांट में आता है बैंकिंग के अंदर यानी मैथ्स का पोर्शन बनता है यह ध्यान रखेंगे आप चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले कुछ क्वेश्चन और करते हैं 14 और 17 में आप देख सकते हैं थ्री का डिफरेंस है राइट और 17 से 21 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं फोर का डिफरेंस है और 21 से 26 में आप देख सकते हैं फाइव का डिफरेंस है तो आप देखिए ये भी एक सीरीज चल रही है थ्री फोर फाइव यानी इस बार क्या ऐड करना है हमें सिक्स और जैसे ही मैं सिक्स ऐड करता हूं ट्वेंटी के अंदर आप देखेंगे थर्टी आ जाएगा और इसी को आगे कंटिन्यू किया जाए थर्टी टू तो के बाद आ जाएगा यानी हमेशा उल्टे क्रम में घटते क्रम में चलेंगे हम जैसे ये वाली सीरीज देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सारे ही नंबर कुछ एट के मल्टीपल्स हैं अरेट की टेबल में ही तो आते हैं ये जरा चेक करिए ट्वेंटी फोर तो आठ इंटू एट 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 थ्री एट फोर एट थ्री फोर एट फोर इनमें से एट माइनस करिए, इनमें से 8 माइनस करिए इनमें से माइनस करिए, सब्रैक्शन सीरीज है इनमें से और एट माइनस कर लीजिए यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों थर्टी टू आ जाएगा बात समझ आ रही है इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया भाई

यानी ट्वेंटी में से सेवन गए तो मुझे लगता है क्वेश्चन ही गलत है यहां पे हम यहां ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन मा घटा देते हैं हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बेटर कर लेते हैं ट्वेंटी में से नाइन गए टू ट्वेंटी ट्वेंटी में से सेवन गए थर्टीन थर्टीन में से फाइव गए एट एट में से थ्री गए फाइव अब आप समझिए ये कौन सी सीरीज है ऑड नंबर वाली ऑड नंबर माइनस करने हैं अगला वन आएगा यानी फाइव माइनस वन कर लीजिए कितना होगा फोर मेरा आंसर आ जाएगा सीरीज कंप्लीट हो जाएगी चलिए कुछ और सीरीज में लेके चलते हैं दोस्तों तीसरी सीरीज है मल्टीप्लीकेशन कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा चेक करते हैं क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है जरा आप देखेंगे तो ग्यारह और पांच इलेवन और फाइव फाइव को कितने से मल्टीप्लाई करें तब आप इलेवन लेके आएंगे तो आप क्या करिए इलेवन को फाइव से डिवाइड कर लीजिए इलेवन को जैसी फाइव से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा टू पॉइंट टू चेक करते हैं फाइव को जब टू पॉइंट टू से मल्टीप्लाई किया तो इलेवन 11, 11 को जब टू पॉइंट टू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ट्वेंटीप्लाई करिए फिफ्टी थ्री पॉइंट टू फोर मिल जाएगा हम एक काम करते हैं आगे की कैलकुलेशन खुद कर लेते हैं यहां अगर मैं देखू फाइव फिफ्टी थ्री पॉइंट टू फोर इसको जब टू पॉइंट टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो देखते हैं क्या आता है जरा देखिए फोर टू एट टू टू जाट जरा देखें ट्वेल्व यहां वन आ जाएगा सिक्स एंड फोर टेन एंड वन इलेवन यहां वन आ जाएगा यहां सेवन आ जाएगा यहां वन वन सेवन अच्छा पॉइंट के बाद देखेगा पॉइंट के बाद एक दो तीन पॉइंट के बाद एक दो तीन इसका आंसर आएगा वन वन सेवन वन पॉइंट वन टू एट वन वन सेवन पॉइंट वन टू एट इसको मल्टीप्लाई कर लेना टू पॉइंट टू से हमारे पास ये भी आ जाएगा है ना सो so, आपको ये समझना है कि हमें किस से मल्टीप्लाई करना है चलिए मल्टीप्लीकेशन सीरीज एक हो गई हमारी देखो और देखते हैं शायद आप समझ पा रहे होंगे सेवन इंटू टू फोर्टीन होता है फोर्टीन इंटू थ्री करने पे फोर्टी टू आता है और 42 4 अगर आप देखें तो 2 का 8 आ गया और 40 का 16 आ गया यानी 4 हो गया तो अब देखिए 2 3 4 5 यानी कि मुझे जो नंबर निकालना है 168 5 निकालना है जरा देखें 8 5 जा 40 4 आ गया 6 4 34 आ गया 3 यहाँ पे लगाएंगे 5 जा 5 एंड 3 840 तो यहाँ पे 840 आ जाएगा और 840 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे फाइव जीरो फोर जीरो मल्टीप्लाई भी इसमें टू पॉइंट में से फाइव से, 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 से और सिक्स से मल्टीप्लाई था ऐसा भी क्वेश्चन तो नहीं यहां पे कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है लेकिन क्या पता मल्टीप्लाई के साथ कुछ और ऑपरेशन लग रहा हो मिक्सिंग ऑफ ऑपरेशन लग रहा हूं चेक करते दोस्तों कौन सा मिक्सिंग ऑफ ऑपरेशन लग सकता है आप समझदार हैं सेवन इंटू टू होता है फोरटीन और यहां पे क्या है फिफ्टीन यानी क्या हुआ है प्लस वन राइट सो सेवन इंटू टू फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू टू थर्टी प्लस वन थर्टी वन इंटू टू सिक्स टू प्लस वन सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री इंटू टू वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स प्लस वन वन ट्वेंटी सेवन दोस्तों वन ट्वेंटी सेवन आया यहां पे इसको क्रॉस चेक करेंगे अभी वन ट्वेंटी सेवन इंटू टू टू फिफ्टी फोर प्लस वन टू फिफ्टी फाइव आया देखो आप यानी कि आपको इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस वन करना था चलिए शायद मल्टीप्लिकेशन पार्ट भी समझ आ गया है अब बात करते हैं डिवीजन दोस्तों डिवीजन के कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं जरा ध्यान से देखें फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई टू कर लो आप ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आ रहे हैं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई टू कर लो आप वन टू फाइव जीरो आ रहे हैं कर आ जाएगा छ सौ पच्चीस पच्ची, बारह सौ पचास और सिक्स ट्वेंटी क्वेश्चन आंसर आ गया है आगे देखते हैं दोस्तों ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइड बाई टू करो आप सिक्स हंड्रेड आता है सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री करो लो टू हंड्रेड आता है 200 डिवाइड बाय 2 करो 100 आता है 100 बाय 3 क्योंकि 2 3 2 3 ऐसा सीरीज चलेगा ना सो so, यहां पे आ जाएगा 33.33, .33। इसको जैसे ही डिवाइड बाय टू करोगे 16.66 आ जाएगा, यानी हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है, चलिए आगे देखते हैं यहां तो बहुत सिंपल नजर आ रहा है मुझे 4096 जीरो नाइन सिक्स डिवाइड बाई फोर वन जीरो टू फोर वन जीरो टू फोर डिवाइड बाई फोर टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाई टू फोर सिक्सटी फोर डिवाइड बाई फोर सिक्सटीन और डिवाइड बाई फोर फोर यानी यहां का आंसर क्या आ गया दोस्तों 64. तो आपने यहां पे सीरीज को भी समझ लिया आगे चलते हैं दोस्तों डिविजन के बाद आता है स्क्वायर सीरीज राइट स्क्वायर यानी कि जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं आप खुद देख सकते हैं तो बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर बताओ ये बहुत मुश्किल था क्या मुझे नहीं लगता यहां पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है एक बार एक काम करते हैं दोस्तों 60 में से इलेवन अगर माइनस करते हैं तो होता है फोर्टी नाइन राइट वन ट्वेंटी फोर से सिक्सटी माइनस करते हो तो होता है सिक्सटी फोर राइट आप देख सकते हैं ये सेवन का स्क्वायर है ये एट का स्क्वायर है अब अगर नाइन का स्क्वायर होता है एटी वन और जैसे ही इसमें मैं एटी वन एड करता हूं तो मिलता है आपको टू जीरो और टू जीरो में टेन का स्क्वायर होता है हंड्रेड जैसे ही टू जीरो में हंड्रेड एड करते थ्री जीरो मिलता है यानी कि इसमें आपको स्कोय एड करने यहां स्क्वास स्वयं आए हुए थे क्या ये बात समझ आ रही है ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं नेक्स्ट टाइप इज क्यूब टाइप स्क्वायर टाइप आया है तो क्यूब टाइप तो आएगा ही आएगा तो क्यूब टाइप में देखो जरा ये तो बहुत सिंपल है टू का क्यूब थ्री का फाइव का सिक्स का एट का नाइन का शायद आप बात समझ रहे होंगे टू और थ्री फोर को स्किप कर दिया फाइव और सिक्स सेवन को स्किप कर दिया एट और नाइन टेन को स्किप कर देंगे इलेवन का क्यूब निकालना है इलेवन का क्यूब याद होना चाहिए वन थ्री थ्री वन राइट आगे देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए करीब करीब बहुत नजदीक वाले नंबर्स हैं राइट जब नजदीक वाले नंबर हो तो हमें एक बार माइनस करके देख लेना चाहिए यानी कि उसमें से 5, 7, 6, अगर माइनस कर लिया जाता है देखिएगा जरा नाइन में से थ्री गया सिक्स सेवन में से सिक्स गया वन नाइन में सेवन गया टू टू वन सिक्स टू वन सिक्स होता है दोस्तों सिक्स का क्यूब यानी इनका डिफरेंस कितना आ रहा है सिक्स का क्यूब आ रहा है अब अपन एक काम करते हैं हम सिक्स वन जीरो फोर में से फाइव नाइन सेवन नाइन माइनस करते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं दोस्तों फोर्टीन माइनस नाइन हो गया फाइव और यहां नाइन नाइन माइनस सेवन हो जाएगा टू और यहां हो जाएगा सिक्सटी सिक्सटी माइनस फिफ्टी वन ट्वेंटी फाइव का मतलब है फाइव का क्यूब तो अब आप सिक्स का क्यूब फाइव का क्यूब तो अब किसका आना चाहिए दोस्तों फोर का क्यूब फोर का है सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को जब आप ऐड कर रहे हैं तो ये बनता है सिक्स वन सिक्स एट राइट सिक्स वन एट में आप शायद ऐड करेंगे अब थ्री का क्यूब थ्री का होता है ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन ही ऐड करोगे आपको मिल जाएगा हमारा सिक्स वन नाइन फाइव सो हमारा यहाँ पे भी लॉजिक सही था तो हमने यहाँ पे क्यूब्स ही रख दिए थे और यहाँ क्यूब का डिफरेंस, मतलब क्यूब का ऐड करके लिखना था सो so, यहां पे क्यूब हो गया फिब की सीरीज दोस्तों फिब की सीरीज के बारे में ध्यान रखने वाली बात क्या है शुरू के दो नंबर ऐड होते हैं और फिर तीसरे में जुड़ जा तीसरा नंबर आ जाता है तीसरा दूसरा ऐड होता है फोर्थ आ जाता है फोर्थ थर्ड ऐड होता है तो फिफ्थ आ जाता है आप देख सकते हैं थर्टीन और ट्वेल्व को ऐड करिए जरा ट्वेंटी फाइव आ गया ट्वेंटी फाइव में थर्टीन ऐड कर लीजिए थर्टी एट आ गया थर्टी एट में ट्वेंटी फाइव एक बार ऐड करो देखें आ आ जाएगा जाएगा और 63 को को में 1 में कर लो यानी इस question mark का के आ गया हमारा 63। आपने देखा होगा बस कुछ नहीं करना 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 इन दोनों को आड़ करना, आड़ करना, आड़ करना। यहां करने से तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या पता सीरीज इन सीरीज चल रही हो मतलब ये दोस्तों सेवन एंड टेन का डिफरेंस होता है थ्री टेन एंड ट्वेल्व का डिफरेंस होता है टू ट्वेल्व और सेवनटीन का डिफरेंस होता है फाइव और सेवनटीन एंड ट्वेंटी फोर का डिफरेंस फोर एंड थ्री हो गए सेवन थर्टी सिक्स एंड ट्वेंटी फोर का डिफरेंस से देखेगा यहां पे हो जाएगा छ और चार बारह तो आप देखिए थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस टू सेवन सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन इसमें मुझे क्या ऐड करना सो नाइनटीन ऐड करती हो जाएगा दोस्तों फिफ्टी फोर सॉरी फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव तो आपको यह समझना था सीरीज कैसी आ सकती है फिबोनाकी सीरीज भी आ सकती है चलिए कुछ और आगे देखते हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब क्या है अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब यह है कि हमारे पास इस बार दो या तीन सीरीज को मिक्स कर दिया जाएगा मर्ज कर दिया जाएगा जरा चेक करते हैं कैसे आप देख सकते हैं दो पांच आठ क्वेश्चन मार्क निकालना है अपने को 7, 9, 11, 13, आपको तो तो समझ आ ना सीरीज़ तो काम की नहीं है हमें जो निकालनी है 2 और थ्री का फाइव और एट का डिफरेंस कितना है थ्री का एट और समथिंग का थ्री का, और का आएगा यानी यहां पे भी क्या आ जाएगा फिर से इलेवन ही तो आएगा अब आप सोचेंगे यार 11 के बाद कैसे आए? वो तो ऑप्शन ऐसा ही होगा सीरीज के अंदर मिक्स हो गई है सीरीज यहाँ और चेक कर लेते हैं आप देख पा रहे होंगे तो बताओ सिंपल है ना ये तो सेवन इंटू टू फोरटीन सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट अच्छा दूसरी वाली भी देख लेते हैं नाइन इंटू टू एटीन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स एक नाइन की मल्टीपल चल रही है एक मल्टीपल चल रही है तो यहां हमने मोटा मोटा जो

ये फाइव का स्क्वायर नजर आ रहा होगा ये सेवन का स्क्वायर नजर आ रहा होगा तो आगे नाइन का आना चाहिए और उसके बाद तो स्क्वायर स्क्वायर नजर आ रहा है है so, सो का 81. One, का क्वेश्चन नंबर ए आपको दे रखा बी आंसर आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सीरीज लेते हैं हम लोग अब इस सीरीज में दो बन आए दोस्तों दो बन आ जाए ना एक बार सबसे पहले सोच लेना चाहिए क्या ये मिक्सिंग ऑफ सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो नहीं है एक बार ट्राई कर लो पहले अच्छा अल्टरनेटिंग सीरीज जब भी एग्जाम में आएगी उसमें बहुत सारे नंबर आएंगे ध्यान रखना उसमें बहुत सारे नंबर आएंगे वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर अगर पूछता तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव आंसर होता लेकिन उसने दूसरी सीरीज में पूछा है वन का क्यूब वन टू का क्यूब एट थ्री का क्यूब ट्वेंटी तो फोर का क्यूब होता है सिक्सटी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपके एक्सरसाइज वन ए का उसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा चलिए ऐसी कुछ सीरीज और उठाते हैं दोस्तों यहां अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार four का six कितना हुआ तो आपको पता चलेगा टाइम्स कह कह दें से, या one, one by two कह दें इसे या मुझे ऐसा क्यों लगा क्योंकि आगे भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कैसे फोर फोर का करो हाफ फोर का हाफ होता है टू एड कर लो सिक्स का करो हाफ सिक्स का हाफ कितना होता है थ्री एड कर लो नाइन हो गया नाइन का हाफ करो फोर पॉइंट फाइव यानी फोर एंड हाफ फोर एंड हाफ इसमें ऐड करो थर्टीन एंड हाफ हो गया तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है या से मतलब बताना है तो दोस्तों मेरे को पहले थर्टीन वन बाई टू का हाफ करना पड़ेगा वन बाई टू का तो हो गया वन बाई फोर और थर्टीन का हाफ कितना हुआ थर्टीन का हाफ हो गया सिक्सटीन सॉरी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स एंड हाफ हाफ इसमें एड हो गया तो ये हो गया मेरा सिक्स थ्री बाई फोर क्योंकि मेरे को उसमें वन बाई टू एड करना था क्या ये बात समझ आ रही है सिक्स थ्री बाई फोर को इससे एड करते हैं तो अपन इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं थर्टीन वन बाई टू थर्टीन वन बाई टू प्लस सिक्स थ्री बाई फोर ये ऐड करना है मैं इसको बहुत सिंपल ले, ले लेता हूं मैं आपको ये तो वन बाई टू है और ये थ्री बाई फोर है

इसमें करते करते चले गए चलिए आगे हैं दोस्तों दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हम 25 की बात करते हैं। SSC 2000 में आया है है जरा आपको ध्यान है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा था कि जब भी आपको इस तरह का बड़ा नंबर मिल जाए तो एक बार पहले डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो हम एक काम करते हैं दोस्तों फाइव एटी टू फोर में से फाइव टू फोर टू एक बार माइनस करते हैं जरा माइनस करिए फोर माइनस टू टू ट्वेल्व माइनस फोर एट एंड एट का हो जाएगा सेवन तो इसका आ जाएगा फाइव एटी टू अच्छा अभी तो आगे मालूम नहीं है क्या लगाना है तो जरा इसको एक बार चेक करिए तो हम क्या करेंगे फोर टू फोर सेवन में से थ्री एट टू थ्री माइनस करेंगे जरा सेवन में से थ्री घटाइए फोर आ जाएगा फोर में से टू कटाइए फोर आ जाएगा और फोर्टी टू में से थर्टी टू फोर्टी फोर आ जाएगा अब इधर तो 582 आ रहा है इधर 424 आ रहा है तो ये कैसा डिफरेंस हुआ ये एक अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आप नोट करेंगे दोस्तों 5, 8, 2, में से में एट 582 माइनस किया यानी फर्स्ट थ्री डिजिट को माइनस किया ठीक उसी प्रकार से 4247 में से 424 फर्स्ट थ्री डिजिट को माइनस किया तो अगर मुझे आंसर निकालना है 5242 में से 5, 2, फोर माइनस करना है क्या ये बात समझ आ रही है अच्छा एक चीज़ मुझे समझ आ गई ट्वेल्व माइनस फोर करिए एट ज़रा यहाँ देखिए ये तो एट नहीं आ रहा है ज़रा यहाँ देखिए ये तो एट नहीं आ रहा है यहाँ देखिए ये तो एट नहीं आ रहा है तो अपना काम आसान हो जाता है आप एक सिंगल डिजिट से क्योंकि आपको ये पता है फर्स्ट थ्री डिजिट माइनस करनी है फाइव टू फोर में से फाइव टू फोर तो यहां जो एट आएगा वो कुछ भी कर लो यही आंसर आएगा आप चाहो एक काम और कर सकते हो इस फोर सेवन वन एट में से फोर सेवन वन माइनस कर लो एट में से बन गया सेवन देखो यही बन रहा है और तो कोई बनेगा ही नहीं सो so, कुल मिला के हमें स्मार्ट काम भी करना होता है कभी कभी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहां ट्वेंटी सेवन नंबर में भी एक क्वेश्चन आया अब इसमें जब आपको कहा था कि दो चीजें एक साथ एक जैसी आ जाए कुछ भी नहीं करना है ऑल्टरनेटिंग को ट्राई कर लो ट्वेंटी नाइनटीन सेवनटीन फोर्टीन ट्वेंटी सिक्सटीन थर्टीन इलेवन ज़रा चेक करते हैं ट्वेंटी और नाइन्टीन का डिफरेंस वन है नाइनटीन और सेवनटीन का डिफरेंस टू है सेवनटीन फोटीन का थ्री है तो फोर यानी यहाँ पे टेन आना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ अब जरा देखो टेन इसमें और इसमें तो नहीं आ रहा है अब सिर्फ ये वाली वैल्यू देखनी है हमें तो यहाँ देखो ट्वेंटी और सिक्सटीन में फ़ोर का डिफरेंस है सिक्सटीन और थर्टीन में थ्री का डिफरेंस है थर्टीन और इलेवन में टू का डिफरेंस है तो इलेवन और 10 में ही यानी यहां भी 10 आएगा दोनों जगह 10 आ जाएंगे क्या ये तरीका समझ आया आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ तो यहां एक्सरसाइज 1 ए के कुछ क्वेश्चंस करवाए अब एक्सरसाइज 1 बी के कुछ क्वेश्चन करते हैं चलिए दोस्तों एक्सरसाइज 1 बी के अंदर आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें आपको फाइंड द मिसिंग टर्म की जगह पे फाइंड द रोंग टर्म इन द सीरीज पता लगाना है यानी आपको ये पता लगाना है कि कौन सा शब्द अपनी जगह पे गलत है कौन सा वर्ड अपनी जगह कौन सा नंबर अपनी जगह पे गलत है तो हम नंबर की बात करते हैं दोस्तों इस सीरीज में हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है यानी 16 में हम क्या ऐड करेंगे दोस्तों सिक्स जब हमको 22 मिलेगा 22 में अगर आपको ध्यान हो तो एट ऐड करने पे 30 मिलता है 30 में हमने क्या ऐड किया तो 45 मिला 15। और 45 में अगर हम देखें 52 लाने के लिए तो हमारे को मिलता है सेवन और 52 में 66 ऐड करना है फिफ्टी लाना है यानी फोर फोर्टीन तो आप देख सकते हैं दोस्तों सिक्स एट एकदम से फिफ्टीन आ गया यानी कि यहां पे कुछ गड़बड़ होगी ऐसा मैं देख पा रहा हूं तो अगर मैं सिक्स एट टेन ट्वेल्व करूं तो शायद फोर्टीन कनेक्ट हो जाएगा अगर मैं फोर्टी फाइव की जगह फोर्टी लिख दू देखिए जरा ध्यान से इसमें गया, में 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 और कर लिया हमने, 14 हो यानी ये रॉन्ग टर्म, टर्म था हमें रॉन्ग टर्म ही तो निकालना है हमें पता लगाना है इस सीरीज में गलत कौन है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आप अगर देखेंगे इतनी बड़ी सीरीज है तो शायद इसमें दो सीरीज मिक्स हो गई हो चेक करते हैं दोस्तों थ्री एट थर्टीन एटीन ट्वेंटी थ्री टू नाइन ट्वेंटी टू थर्टी टू फोर्टी टू आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों थ्री एट फाइव का डिफरेंस एट थर्टीन फाइव का डिफरेंस फाइव एटीन फाइव ट्वेंटी थ्री यहां पे ये थोड़ा सा अजीब है ये ट्वेंटी टू है थर्टी टू है फोर्टी टू है और ये भी टू है तो शायद यहां पे ट्वेल्व अगर होता टू ट्वेल्व ट्वेंटी टू थर्टी टू फोर्टी टू आपको समझ आ गया होगा ये सीरीज चल रही है टेन के जोड़े में प्लस में और ये चल रही है फाइव के प्लस में नाइन यहां पे गलत है यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर बी फॉर नाइन आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है ध्यान से देखें दोस्तों यहाँ पे आपको 15 से 19 में 19 क्वेश्चन में लेके आया हूं आपको पता लगाना है कि जो ब्रैकेट वाले नंबर हैं ये सही हैं या नहीं है हम एक काम करते हैं हम सिंपल सा काम करेंगे दोस्तों फोर और सेवन में डिफरेंस कितना है थ्री का सेवन और नाइन में डिफरेंस कितना है टू का और नाइन और टेन में डिफरेंस कितना है वन का वापिस देखिए टेन और थर्टीन में थ्री का थर्टीन फिफ्टीन में टू का फिफ्टीन सिक्सटीन में वन का 16, 19 में थ्री का यानी प्लस हो रहा है फोर प्लस और टू नाइन नाइन और और एंड मानता हूं कि जो ब्रैकेट वाली दोनों नंबर हैं वो सही है अदरवाइज अगर एक भी गलत होता तो शायद हमारा आंसर हो जाता सो ब्रैकेट टर्म्स आर करेक्ट ये हमारा आंसर होगा यानी क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज वन सी पे आ जाते हैं चलिए एक्सरसाइज क्या कह रहा है यहां पे हमें इस बार नंबर की जगह अल्फाबेट मिले तो अल्फाबेट में अगर सीरीज आ रही तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ देखिए बी सी डी डी एफ एफ जी एच आई ध्यान से देखेगा यहां वन है और यहां वन है यहां, वन है यहां टू हो गया एफ जी एच आई आई जे के एल टू हो गए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यहां पे टी आना चाहिए आप देख सकते हैं यहां वन को गैप दिया यानी बी सी डी डी ई एफ वन वन गैप दिया फिर देखिएगा एफ जी और एच के बाद आई आई के बाद जे और K के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यहां पे देखें अगर आपको समझ आएगा कि बहुत सारे गैप्स हैं राइट तो कैसे करेंगे हम इसे कैसे करेंगे एक बहुत सिंपल तरीका निकालते हैं दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है उसके बाद समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है इसको करने के दो तरीके हैं पहला तरीका ये है कि इनके नंबरिंग कर दो नंबरिंग कर दोगे ना तो दोस्तों यहाँ समझ आएगा ट्वेंटी सिक्स यहाँ ट्वेंटी यहाँ फोर्टीन यहाँ एट और यहाँ टू अब आप देखो जरा कितना डिफरेंस है ट्वेंटी और ट्वेंटी सिक्स में सिक्स का डिफरेंस है फोर्टीन और ट्वेंटी में भी सिक्स का डिफरेंस है एट और फोर्टीन में भी सिक्स का डिफरेंस है और टू और एट में भी सिक्स का डिफरेंस है सिक्स का डिफरेंस इनके बीच में है तो बीच में तो थ्री आएगा ना थ्री के डिफरेंस पे हमारे तो ट्वेंटी, ट्वेंटी आता है, अब से होने वाले जो आंसर है वही आंसर होंगे तो कैंसिल हो गए अब आप स्मार्टली पे करिएगा देखिए के और ई तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं सिर्फ इसी का तो सवाल है राइट right. इसी का सवाल है ना तो हम एक काम करते हैं सिंपल सा काम करेंगे हम इसका आंसर निकाल लेंगे तो एन के बाद फोर्टीन और थ्री अगर आप एड कर लेते हैं फोर्टीन के साथ थ्री एड कर लीजिए पे क्या आएगा दोस्तों क्यू या आर क्यू तो आपका क्यू आ जाएगा और क्यू के बाद यानी कि सेवनटीन के बाद थ्री एड कर लीजिए ट्वेंटी हो गया तो हमारा आंसर क्या हो गया क्यू सो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर ए हमने स्मार्टली प्ले किया इस बार अल्फाबेट के नंबर से काम चलाया एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहां देखिए आपको ये याद होगा ये आपको ध्यान होगा कि वाई का जस्ट ऑपोजिट नंबर बी होता है यानी कि अगर मैं कहूं ए बी सी से अगर जेड तक चलूं तो जैसे ए होता है वन पे ये जेड होता है पीछे से वन पे B होता है आगे से टू पे ये होता है पीछे से टू पे तो Y का जस्ट उल्टा B होता है T का जस्ट उल्टा G होता है O का उल्टा क्या होता है अब इसको समझने के लिए अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो दोस्तों दो शॉर्ट ट्रिक अभी आपको समझनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स पहली दोस्तों आपको पता होना चाहिए T e अगर आपको ध्यान हो इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कितना फटाफट इनके नंबर बता दिए थे तो आपने भी सोचा वो इतने फास्ट नंबर कैसे बताए तो फास्ट नंबर बताने का तरीका मेरा था इतना दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव इनके नंबर मुझे याद है ईजोटी पांचों के नंबर याद हो गए अब ईजोटी से मुझे नंबर निकालना आसान है फॉर एग्जाम्पल आर का निकालना है आर एस टी आर आ गया एटीन पे क्यू आर एस टी क्यू आ गया सेवनटीन पे जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही अगर मुझे इनका रिवर्स नंबर निकालना है जैसे ओ आया है फिफ्टीन पे रिवर्स नंबर निकालना है रिवर्स नंबर का सिंपल फॉर्मूला है ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स अभी देखते हैं कैसे वाई दोस्तों आता है ट्वेंटी फाइव पे राइट ये जो टी वाई ट्वेंटी फाइव पे ट्वेंटी सेवन में ऐसे माइनस कर लें ट्वेंटी फाइव तो आ जाएगा बी यानी टू पे ऐसा ही आप देखें टी आता है ट्वेंटी पे ट्वेंटी पे आता है अब 20 पे आता है तो 27 में से 20 माइनस कर लीजिए आएगा 7 और 7 पे आता है जी ओ आता है दोस्तों 15 पे 27 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूं तो आता है 12 और 12 पे आता है एल जे के एल जे टेन के इलेवन और एल ट्वेल्व सो एल मेरा आंसर हो जाएगा तो रिवर्स निकालने का तरीका है हमारे पास 27 में से नंबर माइनस कर दो और एक्चुअल नंबर निकालने के लिए इजोटी को याद कर लो इससे बढ़िया तरीका नहीं मिलेगा इससे फास्ट तरीका नहीं मिलेगा चलिए आगे बढ़े हम दोस्तों अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है यह समझना पड़ेगा ध्यान से देखें हम दोस्तों ए और जी में सेवन का डिफरेंस आता है यह आपको पता है क्योंकि ए आता है वन पे और जी आता है सेवन पे और या यूं कह दें एक्चुअली ए प्लस सिक्स कर दें ठीक है ना अगर मैं ए प्लस सिक्स कर दूं तो जी आ जाएगा अच्छा अब ऐसे समझें एस दोस्तों आता है नाइनटीन पे और वाई आता है ट्वेंटी फाइव पे कैसे निकाला इजोटी e बेस्ट तरीका कैसे जी आता है ट्वेंटी पे मुझे याद है तो नाइनटीन पे ऐसा आ जाएगा यहां पर अगर आप डिफरेंस देखें तो भी सिक्स का आ रहा है तो यहां पे भी सिक्स का डिफरेंस वहां पे भी सिक्स का डिफरेंस तो सेवन के साथ सिक्स ऐड कर लीजिए क्यों क्योंकि जी आता है सेवन पे सेवन एंड सिक्स होता है थर्टीन और थर्टीन में सिक्स एड कर लीजिए और 13 पे आता है M. कैसे पता चला टी. तो एम से शुरू होने वाला मेरा क्वेश्चन हो आंसर होगा MBA 2004 का क्वेश्चन है मैंने केवल एक से ही अपना आंसर निकाल दिया मुझे दूसरे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्या ये बात समझ आ रही है भाई आपको यह कंफर्म हो गया कि एम फर्स्ट में आएगा अब बाकी वाले का क्या आएगा उससे मुझे क्या करना बात समझ आ रही है चलिए कुछ और बताते हैं आपको यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा ए बी सी वाई जेड सी के बाद डी ई एफ एक्स वाई मतलब डब्ल्यू एक्स वाई जेड उल्टा चल रहा है ना हम लोग वाई जेड डब्ल्यू एक्स यू वी एस टी अब मुझे क्या करना है मुझे पहले तो ए बी सी डी बोलनी है भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यानी एम एन ओ जरा देखो एम एन ओ इसमें भी नहीं आ रहा है एम एन ओ इसमें भी नहीं आ रहा है एम एन ओ इसमें भी नहीं आ रहा है केवल यही पे एम एन ओ आ रहा है मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है क्या स्मार्ट काम करिए आप लोग क्या होता है हमारे को एक चीज कंफर्म है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर

हम दिमाग लगाएंगे देखिए पहले तो यहां लगा दो फोर के बाद नाइन के बाद सिक्सटीन एक ही तरीका है आपके पास टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर अब चाहिए फाइव का स्क्वायर तो ये तो कंफर्म है ये नहीं होगा बाकी सभी जगह आ गया फाइव का स्क्वायर अब दिमाग लगाएंगे कुछ और आपको ये याद रखना होगा या आपको याद ही होगा सी का उल्टा एक्स होता है कैसे पता चला एक्स वाई जेड पीछे से थ्री नंबर पे ए बी सी स्टार्टिंग से थ्री नंबर पे और कुछ चीजें आप दिमाग में फिक्स कर लें आप ये दिमाग में रख लें कि भैया सी का उल्टा एक्स है ए का उल्टा जेड है बी का उल्टा वाई है उससे काम फटाफट हो जाता है तो मैं ये देख रहा हूं कि मुझे और कुछ करूं ना करूं ये तो कैंसिल है और कुछ करूं ना करूं तो सी के बाद एफ तीन नंबर पे एड ये थ्री पे है ये सिक्स पे है ये नाइन पे है क्योंकि एफ और थ्री नाइन हो गया तो अब ट्वेल्व वाला यानी एल आएगा तो ये भी नहीं आएगा इन्हीं दोनों में से आएगा इन्हीं दोनों में से आंसर आएगा ना अब उल्टा चलते हैं वैसे तो एल का उल्टा ओ होता है अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने एल ट्वेल्व पे आता है ट्वेंटी सेवन में से आपके ट्वेल्व चले जाएंगे ट्वेंटी सेवन में से ट्वेल्व गए तो फिफ्टीन और फिफ्टीन पे आता है ओ तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया ओ क्या ये तरीका समझ आ रहा है आपको भाई आपको किसी तरीके से फास्ट करना है

चलिए आगे देखता हूं दोस्तों यहां पे बात करते हैं जरा एक बार देखें फाइव और सेवन का डिफरेंस कितना है टू का फोर्टीन और नाइनटीन का डिफरेंस कितना है फाइव का तो यहां पे क्या करोगे आप यहां पे थ्री का डिफरेंस आएगा यहां पे फोर का आएगा तभी तो फाइव का आएगा बात समझ रहे हैं आप टू थ्री फोर फाइव सो फाइव एंड टू सेवन सेवन एंड थ्री टेन टेन एंड फोर तो टेन चाहिए मुझे ये कंफर्म है ये भी देखो स्मार्ट है ऑप्शन देने वाले एक ही कैंसिल करवा पाए अभी तक एक तो कैंसिल हुआ ना आगे देखते हैं क्या करना है अब हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो पहले पहला वाला अल्फाबेट लेते हैं उल्टा चलते हैं ध्यान से देखेगा बी टू पे आता है और ई फाइव पे आता है थ्री का डिफरेंस हो गया के और एन दोस्तों एन आता है फोर्टीन पे कैसे पता चला एम और एन बीच के हैं एम थर्टीन एन फोर्टीन सिक्स कर लिया मैंने तो दिमाग में जेके ये आता है इलेवन पे जरा देखें ये 3 का डिफरेंस है टू और फाइव इलेवन और 14 भी थ्री का ही डिफरेंस है तो जरा फाइव और एट तो और इलेवन हो जाएगा कि नहीं तो एट पे आता है एच यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर एच से शुरू होना चाहिए ये भी खत्म हो गया अब बच्चे ये दोनों अब फिर से उल्टा चलते हैं भाई एन से पी अगर जाना है एन फोर्टीन पे है और P16 पे है टू का डिफरेंस आ गया T20 पे है और V22 पे है फिर से टू का डिफरेंस आ गया तो अब मुझे सिर्फ यहां बीच में क्या आएगा वही तो देखना है तो आप देखेंगे 14, 16, 18 और 18 पे तो R याद हो गया है हमें अभी तक तो R जरा देखो कहां आ रहा है ये मेरा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर नाइन है एक्सरसाइज वन का C चल रहा है मजा आप लोगों के साथ जरूर आ रहा है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आगे ये कैसे करेंगे जरा देखेंगे तो टू के बाद फोर और फोर के बाद सीधा ट्वेल्व टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व फोर जा बात समझ आ रही ना टू टू जा फोर फोर थ्री जा टू फोर अब ट्वेल्व इंटू फोर होता है फोर्टी एट तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए केवल यही दोनों बच गए मेरे राइट right. अब मैं एक बार दिमाग लगाऊं इलेवन के बाद आया थर्टीन थर्टीन के बाद आया सीधा सेवनटीन अब सेवनटीन के बाद क्या आएगा जरा देखें इलेवन और प्लस टू थर्टीन 13 है सेवनटीन 13 प्लस सिक्स 17 17 होना चाहिए ट्वेंटी फाइव सॉरी ट्वेंटी थ्री आना चाहिए ये मुझे लग रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है आप देख सकते हैं इलेवन के बाद थर्टीन आया ठीक है ना और थर्टीन के बाद सीधा सेवनटीन आ गया यानी यहां से हमने प्लस टू किया यहां पे हमने प्लस फोर किया अब हम प्लस सिक्स करेंगे और जैसे ही सेवनटीन में सिक्स ऐड करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा चलिए और आगे लेके चलते हैं तो यहां पे वन डी भी खत्म हो जाती है आ जाती है वन ई एक एक्सरसाइज -एक के हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों ओके okay. इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं इस तरह के क्वेश्चन में आपको दोस्तों ध्यान देना है मुझे कुछ पेयर्स बनाने पेयर बना के इन्हें सॉल्व करना है तो अब पेयर कैसे बनेगा जरा सोचे हैं तो मैं ये देखता हूं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा सब जगह एक एक सिंगल सिंगल गैप है क्योंकि चार ऑप्शन मेरे पास हैं मुझे यह समझ आता है कि अगर मैं यहां ए लगाता हूं फॉर एग्जाम्पल क्योंकि क्यों लगाया मैंने सी के बाद दो ए आ रहे हैं सी के बाद दो ए आ रहे सी के बाद दो ए रहे, रहे हैं तो ऐसा लग रहा है क्या बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बताओ कितना आसान हो गया और कहां से मैंने क्लिक किया मैंने क्लिक किया दोस्तों सी के बाद डबल ए से तो जैसे सी के बाद डबल ए आया बी सी डबल ए बी सी डबल ए अब आंसर क्या हो गया ए सी ए बी जरा चेक करो ए सी ए बी कहाँ है ये लीजिए साहब मेरा पहला क्वेश्चन मतलब पहला आंसर ये आ गया ऐसा एक और क्वेश्चन लाए हैं हम लोग एक और क्वेश्चन चेक करते हैं दोस्तों इसमें भी हम कुछ ना कुछ तो कनेक्शन के लिए जोड़े यानी पेयर बनाने पड़ेंगे तो पेयर यहाँ से नजर आ रहा है मुझे ध्यान से देखेगा आपको सी ए नजर आ रहा ना, यहां है ना यहाँ भी सी ए है यहाँ भी कहीं सी है देखो ये सी आ रहा और सी ए के बाद सी आ रहा है ए सी ए सी है ना ए सी ए सी कुछ नजर आ रहा है तो यहाँ भी देखे ए सी ए सी यहाँ भी सी लगा लेते हैं और ए सी ए सी ऐसा कुछ बन जाएगा शायद ए सी ए सी है ना ए सी ए सी ए बी और ए सी ए सी ए बन गया ना देखो यहाँ अगर मैं ए सी ए सी लगा दूँ फिर यहाँ ए आ जाएगा ए सी ए सी ए बी ए बी ए सी ए सी ए बी ए बी ए सी ए सी ए बी ए बी ए सी ए सी कितना आसान हो गया हमने यहां से कनेक्ट करना शुरू किया कि भाई मुझे यहां पे देखना है किस तरीके से कनेक्शंस बन रहे हैं तो कनेक्शंस को जोड़ना पड़ेगा और कनेक्शन कैसे बन रहे हैं ए सी ए सी ए बी ए बी ए सी ए सी ए बी ए बी ए सी ए सी अब आंसर क्या होगा डबल ए सी बी जरा देखो डबल ए सी बी फिर से ग्यारह का ए आ गया पहला ही आंसर हो गया एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों इसी तरीके का चलिए इसमें हमने कौन सा लॉजिक लगाना है वो समझने की कोशिश करते हैं आप ये देख पा रहे होंगे कि शुरू एक अल्फ़ाबेट से हो रहा है और यहाँ एक नंबर आ रहा है तो क्या पता ऐसा कुछ हो कि ऐसा कुछ कनेक्शन बने भाई कहीं ना कहीं से तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा भाई शुरू अल्फाबेट से हो रहा है ये कन्फर्म है अब आप अगर देखें तो दोस्तों ट्वेंटी फाइव पे वाई आता है और बी आता है टू पे और ट्वेंटी फाइव माइनस टू करता हूँ ट्वेंटी थ्री आ रहा है इसी तरह से मैं बोलूं आपको कि 23 पे ये आता है और 3 पे ये आता है 23 24 पे 24 पे ये आता है तो 24 माइनस अगर मैं थ्री कर रहा हूं तो ट्वेंटी आना चाहिए अच्छा ऐसा ही कुछ मैं अगर सोचूं कि 19 लाना है मुझे 19 अच्छा, 19 अच्छा लाना है और W कितने पे आता, है, आता है 23 पे 23 में से क्या माइनस करूं D माइनस करूं तो 19 आ जाएगा और ठीक वैसा ही आई ई e आ रहा है फाइव पे सेवनटीन में फाइव एड कर लीजिए जरा सेवनटीन में जैसे ही फाइव एड करेंगे हो जाएगा और 22 पे आता है आपका यू वी डब्ल्यू यू वी वी आता है राइट सो so, वहां पे वी आ गया यहां पे डी आ गया uh, ये आता है ट्वेंटी सिक्स पे इसमें से ए माइनस करो ट्वेंटी फाइव सो मेरे आंसर को देखेगा जरा ए ट्वेंटी वन डी वी ए ट्वेंटी वन डी वी देखा देखो जरा यही आंसर आ गया मेरा बाकी सब ए ऐसे ही नहीं हो रही है तो तरीका समझ में आना चाहिए मैंने कहा से अप्रोच शुरू करी वो इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए ऐसे देखते हैं दोस्तों आ, इसको देख के एक बात समझ आ रही है कि भाई मेरा शुरुआत तो एक अल्फाबेट से हो रही है अब अल्फाबेट से शुरू होने के बाद ये भी मुझे नजर आ रहा है कि यहां कुछ फोर डी है क्या हो सकता है इसका कनेक्शन जरा हम सोचते हैं अच्छा एक चीज और भी आपको नजर आ रही होगी कि ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं और यहां सारे के सारे नंबर होने चाहिए अ एक चीज और अगर आप देखें तो मुझे यहां समझ आ रहा है ध्यान से देखेगा यार ये मुझे यहां कनेक्शन नाइन और ई e का नजर आता है और या फिर ऐसा समझे देखिए इसको अगर थोड़ा और ब्रॉड देखें तो इनको अगर मैं ग्रुप बनाता हूं देखिएगा 5 मतलब एफ सिक्स पे आता है ये अपने को मालूम है ये दोनों गायब है लेकिन आई नाइन पे आता है ये आपको अच्छे से मालूम है टी ट्वेंटी पे आता है ये भी अच्छे से मालूम है और डी फोर पे आता है अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आ गई होगी कहानी मतलब यहां जो अल्फाबेट आ रहा है उसका नंबर यहां आ रहा है और यहां जो नंबर आ रहा है उसका अल्फाबेट यहां आ रहा है टी ट्वेंटी पे आ रहा है ये आपको मालूम है तो ट्वेंटी थ्री पे कौन आता है दोस्तों ट्वेंटी थ्री पे आता है आपका डब्लू ठीक है ना और यहाँ अगर यू आ रहा है तो यू कौन से नंबर पे आता है यू वी W टी यू 21 तो मेरा आंसर जो भी होगा वो ट्वेंटी से शुरू होगा इसको कट कर दो इसको कट कर दो इसको कट कर दो अब आप एक बार चेक कर लो ये 21 पे आ गया अच्छा यहां पे W आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है जी सेवन पे आता है ये अपने को मालूम है और आर एटीन पे आता है ये भी अपने को मालूम है तो कुल मिला के यही आंसर हो गया आंसर करने का तरीका समझ में आना चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है तो यहां जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ओनली न्यूमेरिक सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज हर तरह की सीरीज को बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया अब आपकी बारी है कि आप बुक उठाइए बाकी वाले क्वेश्चंस कर लीजिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ थैंक यू